हाय फ्रेंड्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आई क्यू वन ट्वेंटी प्लस तो फ्रेंड्स मैं हाज़िर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ तो so फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया मॉक टेस्ट जो ये मॉक टेस्ट है ये अकाउंटेंसी इन बुक कीपिंग से है तो so फ्रेंड्स इसके जो थर्टी क्वेश्चन आने वाले हैं तो फ्रेंड्स एग्ज़ाम में फ्रेंड्स उसी बेस पे जहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ तो फ्रेंड्स इसके अलावा भी इस चैनल पे आपको मिलेंगे मॉक टेस्ट उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो फ्रेंड्स उसके अलावा फ्रेंड्स टेलीग्राम का लिंक मैं आपको यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे, दे दूँगा तो फ्रेंड्स आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड फॉलोइंग आर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्स एक्सेप्ट सी जून टू थाउजेंड इसमें यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन बताऊँगा फ्रेंड्स आप यहाँ पर लिखें कापी पर आप इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स वो है पार्ट यहाँ पे फ्रेंड्स पार्ट जो है पार्ट सी है इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ठीक है ये है इसका राइट आंसर ठीक नेक्स्ट है फ्रेंड्स स्लीपिंग पार्टनर्स आर दोज हु जो हमें यहाँ पे बताना है स्लीपिंग पार्टनर्स किसको कहते हैं ठीक है फ्रेंड्स यहाँ पे चार ऑप्शन है फ्रेंड्स अगर मैं सभी ऑप्शन को यहाँ स्टडी um, करूँगा तो फ्रेंड्स यहाँ पे रीड करूँगा तो मुश्किल हो जाएगा ठीक है तो फ्रेंड्स इसका मैं आपको यहाँ पे जो है वो राइट आंसर फ्रेंड्स आपको बताऊंगा तो इसका जो राइट right आंसर है फ्रेंड्स वो पार्ट कौन सा है पार्ट बी है डू नाट टेक एनी पार्ट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस बट प्रोवाइड कैपिटल इन शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द एग्रीड रेशियो तो फ्रेंड्स ये है यहाँ पे स्लीपिंग पार्टनर्स का राइट आंसर ओके नेक्स्ट है फ्रेंड द रिलेशन ऑफ पार्टनर्स विद द फोम्स इज दैट ऑफ फ्रेंड्स यहाँ पे क्या रिलेशन होना चाहिए एक ऑनर यहाँ पे है एक ऑनर होना चाहिए एजेंट्स ऑनर एंड एजेंट्स मैनेजर तो फ्रेंड्स यहाँ पे है चार ऑप्शन इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो पार्ट यहाँ पे सी ए इन ऑनर एंड एजेंट ओके नेक्स्ट है फ्रेंड्स फार्मिंग ए पार्टनरशिप डीट इज़ यहाँ पे जब हम पार्टनरशिप डीट बनाते हैं फार्मिंग करते हैं तो फ्रेंड्स उसके लिए क्या मैंडेटरी है क्या चीज़ होनी चाहिए ठीक है क्या वो मैंडेटरी है यहाँ पे नॉन मैंडेटरी कुछ भी यहाँ पे हो सक हो सकता है ठीक है तो फ्रेंड्स नॉन मैंडेटरी यहाँ पे जो डीड है लिखा भी जा सकता है और जो यहाँ पे होता है लिखने के बगैर भी पार्टनरशिप यहाँ पे बनाई जा सकती है ठीक है नेक्स्ट है फ्रेंड्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द फॉलोइंग इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द अलाउेबल रेट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन्स अकाउंट विल भी तो वो कितने परसेंट यहाँ पे होगा तो फ्रेंड्स इसका यहाँ पे है राइट right आंसर है वो यहाँ पे फ्रेंड्स पार्ट बी सिंपल सिक्स परसेंट होगा ठीक है सिंपल इंटरेस्ट ओके नेक्स्ट है फ्रेंड्स इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट पार्टनर्स आर नॉट इन इन टू तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट पार्टनर्स आर नॉट इन टू फ्रेंड्स इसका जो यहाँ पे है जो राइट right आंसर है वो इक्वल शेयर इन प्रॉफिट ठीक है इक्वल शेयर होगा किस में प्रॉफिट में ओके okay. नेक्स्ट फ्रेंड्स ड्यू टू विच प्रिंसिपल क्वालिटेटिव ट्रांजेक्शन्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स तो फ्रेंड्स यहाँ पे नीचे हैं चार ऑप्शन इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है पार्ट बी राइट आंसर है मनी मेजर मेजरमेंट ओके नेक्स्ट रेफरेंस इनकम इज मेजरड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम को यहाँ पे मेजर किया जाता है किस बेस पे मैचिंग कंसेप्ट कंसिस्टेंसी कॉस्ट नॉन ऑफ द ओके तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो पार्ट सी है कॉस्ट तो नेक्स्ट डिफरेंस ऑन द बैलेंस शीट एक रूल्स नोट्स पेबल्स एंड अकाउंट्स पेबल आर लिस्टेड अंडर विच कैटेगरी तो फ्रेंड्स यहाँ पे हैं चार ऑप्शन तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर आई होप आपने किया होगा इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स पार्ट ए करंट लाइबिलिटीज ओके नेक्स्ट रेफरेंस एफर्म्स बाय प्रोडक्ट बट डज नॉट पे टू सप्लायर इन इंस्टेंटली दिस इज रिकॉर्ड एड तो यहाँ पे है फ्रेंड्स वो कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स आई होप आपने किया होगा फ्रेंड्स यहाँ पे है जैसे अकाउंट रिसिबल अकाउंट पे एबल एकोमुलेटेड लाइबलिटीज़ करंट लाइबलिटीज़ तो फ्रेंड्स यहाँ पे आएगा पार्ट बीज राइट आंसर अकाउंट पे एबल ठीक है नेक्स्ट है फ्रेंड्स अकाउंटिंग प्रोवाइड इंफॉमेसन हम जो अकाउंटिंग है वो किस पे हमें इंफॉर्मेशन देती है तो फ्रेंड्स ये हैं आपके सामने चार ऑप्शन तो फ्रेंड्स ये है इसका राइट आंसर पार्ट डी ऑल ऑफ द एबो ठीक नेक्स्ट है फ्रेंड द लॉन्ग टर्म एसेट्स दैट हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस बट आर राइट दैट हैव वैल्यू इज नोन एज तो फ्रेंड्स वो होगा यहाँ पे आपके पास जैसे करंट एसेट फिक्सड एसेट इंटेलिजिबल इंटेंजिबल एसेट्स इन्वेस्टमेंट्स ओके तो इसका राइट आंसर है पार्ट सी ओके नेक्स्ट है फ्रेंड द सेल्स इनकम क्रेडिट एंड कैश ऑफ ए बिजनेस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड इज कॉल्ड तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसको क्या कहेंगे पार्ट सी इज राइट आंसर टेन ओवर ओके नेक्स्ट हैिजनेस ट्रांजेक्शंस इज कॉल्ड तो फ्रेंड्स इसको हम क्या कहेंगे जर्नल लेजर्स लेजर पोस्टिंग वॉचर्स ओके तो फ्रेंड्स इसका जो राइट right आंसर वो है पार्ट डी वॉचर नेक्स्ट है द दाउंट्स दैट रिकॉर्ड गेन एंड लॉसेज आर तो फ्रेंड्स वो कौन से यहाँ पे अकाउंट्स में हम रिकॉर्ड करते हैं जो गेन है एक्सपेंसिस है लॉसेज है ठीक है प्रॉफिट है ये हम किस में करेंगे तो फ्रेंड्स ये हम करते हैं किस में नॉमिनल अकाउंट्स में ठीक है पार्ट सी राइट आंसर है इसका नेक्स्ट है फ्रेंड्स रियल अकाउंट रिकॉर्ड्स रियल अकाउंट्स जो होता है ये यह यहाँ पे इसमें क्या रिकॉर्ड किया जाता है ये किससे डील करता है डीलिंग क्रेडिटर्स एंड डेप्टर्स डीलिंग विद कमोडिटीज फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो पार्ट बी है ठीक है डीलिंग विद कमोडिटीज जो एसेट्स वगैरह होंगे वो इसी में डील करेंगे किसमें रियल अकाउंट नेक्स्ट है इन इंफॉर्मेशन दैट इज यूज बाय द इन्वेस्टर्स फॉर फॉरकास्टिंग फ्यूचर अर्निंग इज डॉक्यूमेंटेड इज डॉक्यूमेंटेड इन तो फ्रेंड्स ये कौन सी रिपोर्ट होती है एनुअल रिपोर्ट होता है फाइव ईयर रिपोर्ट होती है एक्सचेंज रिपोर्ट होती है स्टॉक रिपोर्ट होती, होती है तो फ्रेंड्स यहां पे है पार्ट ए एनुअल रिपोर्ट इसका राइट right आंसर है ठीक है नेक्स्ट है विच रिपोर्ट गिवन ए रिव्यू ऑन द प्रॉफिट एबिलिटी ऑफ द बिजनेस तो फ्रेंड्स यहाँ पे हैं चार ऑप्शन तो फ्रेंड्स इसका जो राइट right आंसर है ये है पार्ट आई होप आपने किया होगा इसका राइट आंसर है पार्ट टी इनकम स्टेटमेंट ठीक है नेक्स्ट है फ्रेंड्स वेन एसेट्स आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइबिलिटीज इट विल बी इक्वल टू ये किसके इक्वल हो जाएगी ठीक है तो फ्रेंड्स इस यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है आई होप आपने किया होगा ये हो जाता है फ्रेंड्स इसका राइट आंसर पार्ट ए कैपिटल ओके नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट तो बैलेंस शीट में यहाँ पे हम क्या रिकॉर्ड नहीं करते है? जैसे कैश रेंट एक्सपेंसेस है उसके बाद है बिल्डिंग गुडवेल तो फ्रेंड्स इसका जो राइट right आंसर है वो है पार्ट बी ठीक है रेंट एक्सपेंसेस नेक्स्ट फ्रेंड्स तो यहाँ पे ट्वेंटी क्वेश्चन आपके हो जाते हैं तो फ्रेंड्स आई होप यहाँ पर आपका स्कोर अच्छा जा रहा होगा तो फ्रेंड्स इससे आगे भी दस क्वेश्चन आएंगे आप वीडियो को देखें आखिर तक फ्रेंड्स फ्रेंड्स यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी करंट एसेट आर आल्सो नोन एज जो करंट एसेट है तो इसको भी यहाँ पे इसका दूसरा नाम क्या है तो फ्रेंड्स वर्किंग कैपिटल कहेंगे किसको करंट एसेट्स को ठीक है पार्ट डी नेक्स्ट है फ्रेंड्स इन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इफ ए ट्रांजेक्शन इज कम्प्लीटली डिलीटेड विल इट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस क्या यहाँ पे ये यह इफेक्ट करेगा ट्रेयल बैलेंस को अगर ट्रांजेक्शन कम्पलीटली डिलीटेड हो जाती है फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा तो इसका आएगा नो no. यहाँ पे अफेक्ट नहीं पड़ेगा किस पे ट्रेल बैलेंस पे ठीक है नेक्स्ट है फ्रेंड्स वेन डेबिट बैलेंस इज इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस देन द ट्रेल बैलेंस मीन्स तो यहाँ पे जब डेबिट बैलेंस इक्वल हो जाएगा क्रेडिट बैलेंस तो फ्रेंड्स उसके बाद जो ट्रेल बैलेंस है उसका क्या यहाँ पे निकलता है इक्वेशन क्या आएगी ठीक है तो फ्रेंड्स ये हैं चार ऑप्शंस इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर आई होप आपने किया होगा आपको यहाँ पे आता होगा इसका आंसर इसका आंसर है पार्ट बी मैथमेटिकली कैपिटल प्लस लेबिलिटी इक्वल टू एसेट्स आएगा इसका राइट आंसर ठीक है नेक्स्ट है फ्रेंड्स विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विद नॉर्मल बैलेंस इज शो एट द डेबिट साइड्स ऑफ द ऑफ ए ट्रेल बैलेंस फ्रेंड्स यहाँ पे हैं आपके पास चार ऑप्शन फ्रेंड्स मीन ऑप्शन का यहाँ पे इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो यहाँ पे बड़ा हो जाएगा तो फ्रेंड्स उससे आपका टाइम भी क्या होगा ज़ाया होगा तो फ्रेंड्स इसीलिए मैं आपको सीधा आंसर पे लेके जाता हूँ तो फ्रेंड्स आई होप आपने यहाँ पे किया होगा यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है कैश अकाउंट्स ओके तो फ्रेंड्स नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव है ए लेजर इज ए इज कॉल्ड ए बुक ऑफ लेजर है यहाँ पे फ्रेंड्स इसको क्या कहते हैं जैसे है ए लेजर इज कॉल्ड ए बुक ऑफ क्या आएगा इसका राइट आंसर प्राइमरी एंट्री फाइनेंशियल इंट्री ओरिजिनल एंट्री नन ऑफ द एगो तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर आई होप आपने किया होगा इसका राइट आंसर पार्ट बी ठीक है फाइनल एंट्री ओके नेक्स्ट है द लेजर कॉलम्स दैट लिंक इंट्री विद द जर्नल इज कॉल ठीक है तो फ्रेंड्स यहाँ पे है, उसको हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स आई होप आपने यहाँ पे किया हो जैसे इसका जो राइट right आंसर है फ्रेंड्स वो पार्ट ए यहाँ पे फ्रेंड्स जो यहाँ पे क्या है ये क्वेश्चन है द लेजर्स कॉलम दैट लिंक द एंट्री विद द जर्नल इज कॉल्ड एज तो फ्रेंड्स इसको क्या कहेंगे हम इसका जो फ्रेंड्स जो राइट right आंसर होगा फ्रेंड्स इसका राइट right आंसर होगा पार्ट पार्ट बी आएगा इसका राइट आंसर लेजर फोलियो कॉलम कहेंगे उसको हम ठीक है सॉरी मैंने आपको यही बोल दिया था इसका आएगा पार्ट बी ठीक है लेजर वैल्यू कॉलम्स नेक्स्ट है फ्रेंड्स लेजर इज ए प्रिंसिपल बुक दैट कंटेन्स जो ledger, लेजर है ये प्रिंसिपल बोल है ये किसको कंटेन करती है ठीक है फ्रेंड्स यहाँ पे है इसका जो राइट right आंसर है ये आएगा ऑल अकाउंट्स का लेजर बनता है ठीक है नेक्स्ट है फ्रेंड्स बिंक रिकनसलेशन स्टेटमेंट कंपेयर कंप्रेस कंप्रेसड ए बुक स्टेटमेंट विद फ्रेंड्स इसका जो राइट right आंसर है वो है पार्ट डी कैश बुक ठीक है ये है बैंक रिकनसिलेशन स्टेटमेंट कंप्रेस ए बैंक स्टेटमेंट विद ये किससे बनती है तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर right है ये पार्ट डी है कैश बुक नेक्स्ट है फ्रेंड्स बैंक रिकनसिलेशन डिस्क्रिप्शन इज कंपोजिट ऑफ फ्रेंड्स चार ऑप्शन है आपके पास इसका जो राइट right आंसर है वो है बिजनेस अकाउंट फ्रेंड्स उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आज का एन अनएडजस्टेड बैलेंस इन ए कैश बुक इज बिकॉज बिकॉज ऑफ द रिजल्ट ऑफ विच एरर ठीक है तो फ्रेंड्स इसका जो राइट right आंसर है तो फ्रेंड्स चार ऑप्शन है आपके पास इसका जो राइट right आंसर है वो है पार्ट बी इसका राइट right आंसर है तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड्स इसको लाइक करें फ्रेंड्स में शेयर करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप नए आए हैं तो फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब करें तो फ्रेंड्स थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तो फ्रेंड्स थैंक यू